आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद कासगंज कोतवाली के नदरे ग्राम में स्थित हजारा नहर के पास मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब मथुरा से चलकर 8:30 पर आने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 55354 से एक मैक्स पिकअप गाड़ी टकरा गई। जैसे ही ट्रेन से मैक्स पिकअप टकराई तभी ट्रेन के ड्राइवर ने आनन फानन में ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन टकराते समय मैक्स पिकअप में कोई भी सवार नहीं था। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी सहित आरपीएफ जीआरपी व कासगंज के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एडीएम राकेश कुमार की माने तो कुछ लोग मैक्स पिकअप में एक गाय व बछड़ा लेकर जा रहे थे और उन्होंने मानव रहित रेलवे पटरियों के बीच से गाड़ी निकालनी चाही जिससे गाड़ी फंस गई। उसी के सामने से ट्रेन आ रही थी लेकिन चालक ने हिम्मत से काम लेते हुए गाय व बछड़ा को गाड़ी से निकाला और ट्रेन जब तक टकराती उससे पहले ही वहां से हट गया। एडीएम राकेश कुमार ने व पुलिस ने जल्द ही मानव रहित क्रॉसिंग को बंद करने की बात कही तो वहीं रेलवे के आला अधिकारियों ने चार पहिया गाड़ी को रेलवे ट्रैक से हटाकर लाइन को साफ कर दिया जिससे अन्य ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। पूरा मामला यह है कि यूटिलिटी गाड़ी में एक आदमी एक गाय बछड़ा लेके जो है बता के आ रहा था। वो गलत ट्रैक को पार कर रहा था यूटिलिटी लेके, लेकिन वहाँ कोई पार करने का रास्ता नहीं था। गाड़ी उसकी उलझ गई, इस पर उसने गाय बछड़ा तो उतार लिए, लेकिन तब तक ट्रेन आ गई और ट्रेन से यूटिलिटी टकरा के काफ़ी करीब 100 मीटर तक जो है घिसटती हुई चली गई। इससे कोई जनहानि हुई है सर? कोई जनहानि नहीं हुई, ना कोई पशु थे, कोई पशु पहले ही उतार लिए गए। अच्छा, माना जाए कि बड़ा हादसा रियल होने की वजह? देखिए, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की तरह ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं समाचार।